अगर आपने ये वीडियो थोड़ा सा भी स्किप किया तो आपके फ़ोन की स्क्रीन में ये वाली नोटिफिकेशन आ सकती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है और आप देख रहे हैं एंड्रॉइड गेमर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आप जीटी सैन एंड्रियास को सिर्फ और सिर्फ 300 MB में कैसे डाउनलोड कर सकते हो। आप लोग सोच रहे होंगे यार, इस टॉपिक के ऊपर तो यूट्यूब में ढेर सारी पहले से वीडियो हैं और वो लोग तो 3 MB में डाउनलोड कराने की बात करते हैं। सो यार रियली गाइस, 3 MB में जीटी सैन एंड्रियास, 3 MB। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, 3 MB में जीटी सैन एंड्रियास डाउनलोड नहीं हो सकता एंड्रॉइड में। हाँ, 300 MB में हो सकता है, और कैसे होएगा आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो क्या सबसे पहले आपको बता दूं, जीटी सैन एंड्रियास जब भी आपके फोन में वर्क करता है, जब आप उसकी फाइल आपके फोन के GPU के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर किसी दूसरे फोन के GPU के हिसाब से आपकी फाइल डाउनलोड कर लेते हो और अपने फोन में चलाते हो तो अनफॉर्चुनेटली अनसपोर्टेड बता देता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये ऐसी प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं होती। आप अपने फोन को रिस्टार्ट करो या कुछ करो, गेम वर्क नहीं करता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपने फ़ोन का GPU पता करके उस वाली GPU की फाइल कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप राइट फाइल डाउनलोड करोगे तो गेम आपका 100% चलेगा, आप किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो को एंड तक देखना गाइस, मैंने पहले ही बताया अगर आप वीडियो मिस करोगे तो हो सकता है कि आपका गेम वर्क ना करे, ठीक है। सो यार वीडियो पूरी देखो। सो आज की इस वीडियो में दोबारा मैंने टाइटल पढ़ के बताऊंगा कि GTA सैन एंड्रियास को 300 MB में कैसे डाउनलोड करना है बताने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले तो आपको CPU-Z नाम की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है, और एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको उसमें अपने प्रोसेसर कौन सा वाला है ये देखना है, ठीक है। CPU-Z इंस्टॉल करने के बाद आपको Z आर्चीवर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। CPU-Z और Z आर्चीवर और जितने भी सारे लिंक्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको प्ले स्टोर में जाकर टाइप नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे सब्सक्राइबर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो मैं सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। गाइस ये सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको अपने फोन में आ जाना है। तो चलो मैं भी अपने फोन में आ जाता हूँ। सो यार जो जो मैं चीज बोल रहा हूँ ना वो एकदम ध्यान से सुनना और देखना, तभी आपका गेम वर्क करेगा, ठीक है। तो मैं मेरे फोन में आता हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो आपको आपके फोन के हिसाब से, आपके फोन के GPU के हिसाब से GTA सैन एंड्रियास की फाइल डाउनलोड करनी है। तो आपको जो मैंने CPU-Z की एप्लीकेशन बताया था उससे फाइंड कर सकते हो कि आपका GPU कौन सा है। तो मेरा यहाँ पे एंड्रोनोज है, सो मैं इस हिसाब से फाइल मैंने डाउनलोड पहले से करके रखी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो जब आपके फोन के GPU के हिसाब से फाइल डाउनलोड कर लो, सो आपको सीधे Z आर्चीवर ओपन करना है, ढूंढने की आपने फाइल कहाँ डाउनलोड हुई है। तो फिलहाल मैंने UC ब्राउज़र से डाउनलोड किया हूँ। सो देखो आपको फर्स्ट दिख रही होगी APK फाइल और सेकंड दिख रही होगी OBB फाइल, ठीक है, जिसमें डाटा लिखा और एक में APK लिखा है। सो आपको इसे एक्सट्रैक्ट कैसे करना है वो सबको आता नहीं आता, तो एक बार मैं APK एक्सट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। वन टाइम टैप करना है, यहाँ पर लिखा एक्सट्रैक्ट हियर, इस पर टैप करना है। तो जैसे मैं एक्सट्रैक्ट हियर पर टैप करूंगा ये एक्सट्रैक्ट होने लगेगा और ये मेरा APK बन के आ गया। आप इस APK को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। सो मैं इस डाटा को एक्सट्रैक्ट करता हूँ और इसका एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं वीडियो स्किप करता हूँ। 2 hours later। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैंने APK इंस्टॉल कर लिया हूँ और उसकी OBB फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लिया हूँ। एक्सट्रैक्ट करने में थोड़ा ज़्यादा देर लगती है, तो आपको प्लीज़ थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। सो यार प्लीज़ उसको एक्सट्रैक्टिंग को टाइम देना, ठीक है, वेट करना, थोड़ा सा ज़्यादा देर लगती है। सो आप APK इंस्टॉल करने के बाद आपको APK ओपन नहीं करना है, आपको ये जो .com रॉकस्टार गेम्स GTA SA का मीनिंग सैन एंड्रियास है, उसको आपको यहाँ से कट करना है। यहाँ पे दिख रहा है कैची जैसा बना है, कट पे टाइप करना है। कट पे टाइप करने के बाद एंड्रॉइड डाटा में जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। सो ये प्रोसेस आपको आती है, एंड्रॉइड डाटा और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। सो ज़्यादा देर नहीं लगती है, बहुत ही जल्दी पेस्ट हो जाता है ये हमारा, जस्ट ठीक है पेस्ट हो गया। उसके बाद आपको हमारा APK ओपन करना है। जैसे आप APK ओपन करोगे सो ये गेम 100% वर्क करेगा। तो मुझे पता है यार ये वीडियो बहुत आपको बहुत बहुत अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो में लाइक का एम लगा रहा हूँ मैं। मुझे इस वीडियो पूरे पूरे 300 लाइक चाहिए, ठीक है। सो कर रहा है 300 लाइक की तो बात है। सो जब आप ये वाले पेज पे पहुंचोगे तो आपको यहाँ पे ढेर सारी आपको इन्फॉर्मेशन भरने की बोल रहा है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको सिंपल ऑफलाइन में टाइप करना है, ठीक है। जैसे आप ऑफलाइन में टाइप करोगे आपका गेम रन करेगा। सो मुझे पता है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मैं आपको प्रूफ के लिए गेम प्ले दिखा देता हूँ। मैं रिज्यूम में टाइप करता हूँ और बस जस्ट हमारा गेम प्ले स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो। एंड्रो गेमर की तरफ से मैंने वीडियो लाया हूँ, मतलब उनके चैनल का लिंक है, एक्चुअली उनकी वेबसाइट का लिंक है। सो आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। तो ये है हमारा गेम, आपको दिख रहा होगा मैं यहाँ पे GTA सैन एंड्रियास खेल सकता हूँ मेरे फ़ोन में। सो गाइस हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म हो रही है। मैं लास्ट में स्पीच आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको वीडियो के
अंदर हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता सकूं। तो देखो सबसे पहले तो आपको जो एपीके और जो ओबीबी है वो आपके फोन के जीपीयू के हिसाब से डाउनलोड करने हैं। तो मैंने आपको बता चुका हूं जीपीयू आपके फोन का कौन सा है, वो सीपीयू जेड वाली एप्लीकेशन देख सकते हो, एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आपको सारे जीपीयू की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपके फोन का जो जीपीयू है आप उस हिसाब से फाइल डाउनलोड करिए और आपका गेम परफेक्टली वर्क करेगा, ठीक है। तो आप जब जीपीयू की एक OBB फाइल रहेगी और दूसरा APK फाइल रहेगी, आपको दोनों को जेड आर्चीवर से एक्सट्रैक्ट करना है। जेड आर्चीवर की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। सो दोनों को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप सिंपली दोनों को रन करना, और जैसे ही आपका APK इंस्टॉल हो जाए, APK का ओपन मत करना गाइस, OBB के वाला जो फोल्डर है उसको आपको एंड्रॉयड डाटा में जाके पेस्ट कर देना है। सॉरी मैं अटक गया था, जल्दी जल्दी बोलता हूँ ना, कई बार होता अटक जाता हूँ, ठीक है। तो आपको एंड्रॉइड डाटा में जाके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हो सके तो आपके फोन को एक बार रिस्टार्ट करना या फिर मत भी करना, कई फोन में एक बार वर्क नहीं करता तो रिस्टार्ट कर देना आपके फोन को, ठीक है। सो आप अगेन APK ओपन करना, जैसे आप APK ओपन करोगे आपको वहाँ पे साइड में लिखा आएगा ऑफलाइन करके, मैं जैसे अभी वीडियो में दिखाया, तो आपको सिंपल ऑफलाइन बटन में टाइप करना है, और जैसे ही आप ऑफलाइन में टाइप करोगे आपका गेम परफेक्टली रन करेगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी इश्यूज आते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए सजेशन दे सकते हो। तो बॉय हैव अ नाइस डे, मैं लाइक का गेम लगा चुका हूँ, मुझे इस वीडियो में पूरे पूरे 300 लाइक चाहिए, तो यार कर दो 300 लाइक की तो बात है। बाय बाय।